सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। भारत की इस पावन भूमि पर समय समय पर ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया जिनके ज्ञान ने मानवता को नए आयाम दिए, समाज को सही आध्यात्मिक मार्ग और परमात्मा की सच्ची भक्ति का अनमोल संदेश दिया। इन्हीं में से एक महापुरुष थे गुरु नानक देव जी, जिन्हें सिख धर्म के प्रवर्तक और प्रथम गुरु के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सदैव अपनी शिक्षाओं और उपदेशों से मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया, जो आज भी हमें प्रेम, सत्य और समर्पण का मार्ग दिखाता है। यही वजह है कि गुरु नानक जयंती हर साल कार्तिक पूर्णिमा को देश विदेश में मनाई जाती है, जिसे गुरु पर्व और प्रकाश उत्सव भी कहा जाता है। यह पर्व सिखों का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। पंजाब में गुरु पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लगभग दो हफ्ते पहले ही सिख समुदाय द्वारा ढोल नगाड़ों की धुन पर झांकियों और रंग बिरंगी प्रभात फेरियों के साथ नानक जयंती की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस दौरान बड़े बड़े लंगर आयोजित किए जाते हैं। साथ ही सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ इस पर्व का अभिन्न हिस्सा है। इस दिन नानक जी के विचारों, संदेशों और उपदेशों को विशेष रूप से याद किया जाता है। लेकिन दर्शकों, सवाल यह है कि क्या आज हम उनकी शिक्षाओं और उनके द्वारा दिखाए गए आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं? दूसरा, समाज में व्याप्त बुराइयों और पाखंडवाद को दूर करने वाले नानक जी ने केवल एक परमात्मा को सर्वस्व मानकर आजीवन उनकी भक्ति की और नाम जाप किया। उन्होंने कहा कि धर्म, जाति या मजहब की सीमाओं से ऊपर उठकर सभी को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जीवन में पूर्ण गुरु की आवश्यकता पर बल दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर नानक जी ने अपने जीवन में किस परमात्मा को सर्वस्व माना? कौन है वह परमात्मा और क्या नानक जी के भी कोई गुरु थे? उनके द्वारा बताए गए वाहे गुरु सतनाम का क्या रहस्य है? मोक्ष प्राप्ति के लिए नानक जी ने किन मंत्रों का जाप किया था? तो दर्शकों, नानक जयंती के इस शुभ अवसर पर हम कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही जानेंगे नानक जी की उस रहस्यमयी घटना के बारे में जब बेई नदी में स्नान करते समय बाबा नानक जी अचानक कहीं गायब हो गए थे। आखिर क्या रहस्य था उस घटना के पीछे? सवाल नंबर एक, जिस बेई नदी पर गुरु नानक देव जी ने 14 वर्ष बिताए, वहीं एक दिन एक बाबा के रूप में उन्हें कोई दिव्य पुरुष मिले, जिसके बाद नानक जी 3 दिनों तक गायब रहे। आखिर नानक जी उन 3 दिनों तक कहां और किसके साथ रहे? कौन थे वे बाबा? क्या यह रहस्य उस सर्वोच्च परमात्मा से जुड़ा है जिसकी खोज में गुरु नानक जी निकले थे? श्री नानक देव का जन्म विक्रमी संवत 1526 सन 1469 कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को हिंदू परिवार में श्री कालूराम मेहत्ता खत्री के घर माता श्रीमती तृप्ता देवी की पवित्र कोख से पश्चिमी पाकिस्तान के जिला लाहौर के तलवंडी नामक गांव, वर्तमान ननकाना साहिब, पंजाब, पाकिस्तान में हुआ था। नानक जी श्रीमद भगवत गीता जी को श्री ब्रजलाल पांडे से पढ़ा करते थे।
वही अपनी बहन नानकी की ससुराल शहर सुल्तानपुर में अपने बहनोई श्री जयराम जी की कृपा से सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने की नौकरी किया करते थे। उनका पिछले शुभ संस्कारों के कारण बचपन से ही प्रभु में असीम प्रेम था, परंतु वे परमात्मा की सतभक्ति न करके अनुचित साधना कर रहे थे, जैसा उन्होंने पिछले जन्मों में किया था। नानक जी सतयुग में राजा अम्बरीश के रूप में और त्रेता युग में राजा जनक के रूप में जन्मे थे। सतभक्ति न मिलने और स्वर्ग में अपने पुण्य भोगने के कारण उनका कलयुग में एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म हुआ। नानक जी के पूर्व जन्मों का प्रमाण भाई बाले वाली जन्म साखी के पृष्ठ 423 पर साखी अजीत रणधावे दी में भी मिलता है। देखिए, नानक साहिब जी पहले राजा अम्बरीश थे, फिर राजा जनक हुए, फिर नानक जी हुए, और यही इनकी जन्म साखी में है। देखिएगा, यही जो पुराने वाली है, ये 423 है, साफ दिखाई नहीं देता, कटा हुआ है, कटिंग है। ये 422 है, ये 423 है, और ये है साखी अजीते रणधावे दी। साखी अजीते रणधावे दी यहाँ लिखा है कि सतगुरु गुरु मेहरबान त्रेता जनक बधे है। त्रेता मतलब जनक बधे ही था, और हरिचंद द्वापर और गुरु गुरु कुलजग नानक हुए। अब कलयुग में वही नानक हुए जो पहले त्रेता में, त्रेता मत ये कह रहे हैं राजा जनक थे, और द्वापर में फिर वो राज हरिचंद बने। हरिचंद कोई वो भी हो सकता है, लेकिन वो हरिचंद राजा थे, वो तो सतयुग में हुए थे। ये कोई और हरिचंद हो सकते हैं, महान आत्मा कोई, और उसके बाद फिर वही आत्मा नानक कलयुग नानक देव। ओह, यहाँ फिर दोबारा सेकंड किया है कि त्रेता युग विच जनक विधेही होया, और सिक्खी करोड़ी एक पैरी पड़े। कि ये वही राजा जनक के रूप में जब थे, इनके बहुत से वो अनुयायी। दर्शकों, इसी का प्रमाण प्राण संगली में भी है। देखिए, प्राण संगली भाग दो के पृष्ठ 76 को, जिसमें नानक जी कहते हैं, जब हम भक्त भय सुखदेवा जनक विदेह किया गुरुदेवा। अर्थात श्री नानक जी कह रहे हैं कि जब मैं जनक रूप में था, उस समय मेरा शिष्य श्री सुखदेव ऋषि हुआ था। यही प्रमाण भाई बाले वाली जन्म साखी पंजाबी वाली के पृष्ठ 423 पर भी आपने देखा। दर्शकों, पिछले संस्कारों के कारण नानक जी की आत्मा परमात्मा की खोज में थी, इसलिए वे रोज सुल्तानपुर में स्थित बेई नदी पर घंटों ध्यान और योग साधना किया करते थे। ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक देव जी को बेई नदी में स्नान करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक दिन उन्हें उसी नदी पर एक दिव्य पुरुष मिले, जिन्हें एक जिंदा बाबा के रूप में जाना जाता है। इस भेंट के बाद नानक जी 3 दिनों तक सचखंड में रहे। समाज में इस घटना के बारे में विभिन्न धारणाएं मौजूद हैं। कुछ लोग मानते हैं कि गुरु नानक जी को उस समय एक मुस्लिम बाबा या पंडित मिले थे, तो कुछ का कहना है कि उन्हें जिंदा बाबा रूप में परमात्मा आकर मिले थे। हालांकि समाज आज भी इस घटना की सच्चाई से अनभिज्ञ है। असल में नानक जी को बेई नदी के किनारे कबीर परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। इस सच्चाई को जानने के लिए देखिए नानक जी की कथा का संपूर्ण विवरण। कि नानक साहिब जी प्रतिदिन बेई नदी पर स्नान करने जाते थे, और वो परमात्मा अपने इन दृढ़ भक्तों को, अच्छी आत्माओं को खोजता फिरता है। अपने आत्मा जब तक ये राजा थे, राजा अम्बरीश रूप में, राजा जनक रूप में, ये परमात्मा वहां भी गए थे, लेकिन उस समय हम नहीं सुनते, क्योंकि हमारे को यहाँ का झूठा सुख परिपूर्ण होता है। और जब हम एक हैंड टू माउथ हो जाते हैं, तो भगवान को अवश्य खोजते हैं। अब कलयुग का समय परमात्मा ने इसलिए निर्धारित किया था, और काल तो राजी हो गया, 3 युगों में ना ले जाना। मालिक को पता था कि 3 युगों में ये भक्ति ना करें, क्योंकि सबके पिछले संस्कार अच्छे होंगे, कुछ ना कुछ उपलब्धि इनको अपने अध्यात्म की वैसे भी होती रहेगी, पिछली बैटरी चार्ज हैं, तो ये मानने को नहीं। और जब कलयुग में आओगे, इनकी सारी बैटरी डाउन हो लेगी,
और जो क्रिया ये करेंगे उससे कोई लाभ इनको हो को नहीं, ब्रह्मटी हो जाएगी। और फिर हम आएंगे या मेरा दास आएगा, ये सतनाम का चार्जर लाओगा, बैटरी लानते ही ऑन हो जाएगा करे दो मिनट पाछे, और फिर कितने काल करो कुछ भी काम करो, तो ऐसा होगा। तो नानक साहब जी पिछले संस्कार से वहाँ बैठकर चिंतन करते थे, हमेशा भगवान के ध्यान में रहते थे। जैसा भी ब्रजलाल पांडे से उन्होंने पढ़ा सुना था उसी आधार से विष्णु जी को सुप्रीम पावर मानते थे। आदरणीय नानक साहब जी, आदरणीय परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, ये समकालीन थे। ये लगभग 45 वर्ष समकालीन रहे हैं। सन 1469 में आदरणीय नानक साहब जी का जन्म हुआ और आदरणीय और परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी 1398 से 1518 तक रहे। 1469 से 1518 तक ये समकालीन थे। परमात्मा बनारस में रहा करते थे, कपड़ा बुनते थे, धानक का काम करते थे, जुलाहे का। अब कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। अम्बरीश राजा थे तब भी परमात्मा गए समझाने की चेष्टा की, तब तक वो भक्ति नहीं करते थे, उसके बाद वो भक्ति में पूरी रुचि होगी। राजा थे फिर परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, अन्य ऋषि मह ऋषियों से समाधान ढूंढ कर वो क्रियाएं शुरू कर दी। फिर भी दयालु हैं, उनको काम तो लाए आए नहीं, तो ये राजा बने पासे कौन भक्ति करे, सारा दिन बकवाद वहाँ इनको। तो वहाँ वो जैसा भी करने लगे, यज्ञ करन लगे हैं, और ये मंत्र करते रहे ओम नाम का, विष्णु जी का जो हरियम जाप आपको दिया जाता है ये करते रहे। और फिर राजा जनक थे तब भी परमात्मा मिले, मालिक पर विश्वास हुआ नहीं, और अन्य ऋषियों से उपदेश लेकर के फिर साधना शुरू कर दी, यज्ञ किए घड़े बड़े बड़े। मालिक ये चाहते थे कि ये बैटरी थोड़ी बहुत किसी ना किसी तरह से चार्ज होती रहे ताकि ये कलयुग तक पहुंच जाए किसी तरह, फिर देखूंगा काल ने। अब परमात्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हुए, कहाँ से, काशी से, बनारस से, और बेई नदी पर पहुँच गए एक जिंदा महात्मा का रूप बना के। नानक साहब जी बैठे थे, परमात्मा ने भी जाके उनको प्रणाम राम राम बोला। नानक साहब जी बड़ी अच्छी आत्मा थे, प्यार से श्रद्धा से कहा आओ बैठो महात्मा जी। बैठ के पूछा कौन हो, कहाँ से आए हो? परमात्मा ने कहा कि मैं बनारस से आया हूँ और एक जुलाहा जाति से संबंध रखता हूँ, मेरा नाम कबीर है और मैं परमात्मा की खोज में घूम रहा हूँ। आप बहुत अच्छे भक्त सुने हैं, यहाँ बहुत अच्छे भक्त हो, और कुछ मैं मार्गदर्शन आपसे चाहता हूँ प्रभु के बारे में। मैं भले ही मुसलमान के यहाँ रह रहा हूँ लेकिन मेरी आस्था प्रत्येक धर्म के प्रति बराबर है। मुझे कहीं से भी मोक्ष मार्ग मिल जाए मैं तलाश कर रहा हूँ, खोज कर रहा हूँ। इस बात से नानक जी बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए, कहा बैठ जा, आजा मैं बताता हूँ। जब उन दोनों की चर्चा हुई तो नानक साहब जी ने कहा कि सबसे पहले गुरु होना चाहिए प्राणी का। तो वहाँ आसपास जो स्नान करने गए थे व्यक्ति, वह भी बैठ के आकर चर्चा होने लगी जब दोनों की, 20-30-50 सुबह सुबह का समय था। तो उनकी जब चर्चा चली तो कबीर साहब ने कहा कि मैंने गुरु तो बना रखा है, बनारस में आदरणीय स्वामी रामानंद ब्राह्मण पंडित जी, उससे मैंने उपदेश ले रखा है। अब नानक साहब ने कहा कि जो ज्ञान तुझे प्राप्त है वो पूरा नहीं है, आप मुझे गुरु बनाओ फिर मैं आपको सही ज्ञान बताऊं। तब परमात्मा ने कहा कि ठीक है जी, मैं आपको गुरु मानता हूं, मुझे ज्ञान बता दो। तब
नानक साहब जी लगे बताने जैसा बैजलाल पांडे से उन्होंने ग्रहण किया हुआ था। कहा कि विष्णु जी सर्वशक्तिमान हैं, सारे ब्रह्मांडों के रचनहार हैं, और यही श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए, यही श्री राम रूप में अवतरित हुए, और श्री कृष्ण रूप में इन्होंने आकर के महाभारत के समय गीता का ज्ञान दिया, और गीता जी का नित पाठ करने से जीव का मोक्ष हो जाता है, और हरे कृष्ण हरे राम सीताराम राधे राधे श्याम मिला दे, इस तरह के मंत्र और ओम मंत्र, ये सारे कुछ बता दिए जो ये ब्राह्मण गुरु या हिंदू धर्म के जो ये नकली गुरु बताया करते थे, नकली नाम, वो सारे बता दिए कि ये जाप करने चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब परमात्मा ने प्रसन्न किया कि देखो मैं आपको गुरु धारण करने जा रहा हूँ, आपका अनुयायी बनूंगा, तो मेरी कुछ शंका का समाधान भी चाहिए मुझे। भक्त बोलो, आप जी कहते हो कि श्री कृष्ण जी श्री विष्णु जी अविनाशी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अजन्मा हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, और आप इनको सर्वेश्वर कहते हो, और आप ये भी कहते हो कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला। हाँ बिल्कुल सही है, नानक जी बोले। तो आप गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में देखिए, और 2 के 12 में, 10 के 2 में, इनमें यूँ गीता ज्ञान दाता कहता है मेरे तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हूँ। फिर आप कह रहे हो ये अविनाशी हैं, अब नानक साहब जी के बाद के पास कोई जवाब नहीं था। परमात्मा ने कहा कि आप हरे कृष्ण हरे राम सीताराम राधे श्याम ये जाप करते हो, गीता जी में ऐसा कोई मंत्र नहीं है, केवल एक ओम मंत्र है, एक ओंकार जिसको तुम बोलते हो। तो नानक साहब ने कहा कि मैं ओंकार भी जाप करता हूँ और ये भी करता हूँ। तो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी साधना व्यर्थ होती है, ना उनको कोई सुख हो, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। अब नानक साहब जी डेली पाठ करा करते गीता जी का, उनको याद थे श्लोक, तो गीता जी में केवल लिखा एक ओम अक्षर है, उसके अतिरिक्त जो आप अन्य जाप करते हो वो व्यर्थ है। जैसे कोई एक जड़ी है और उससे लाभ होना है, उसके साथ और जड़ी मिला दी तो वो यूजलेस हो जाता, निष्क्रिय हो जाएगी, जड़ी का यूज भी नहीं होगा आपको, तो ये साधनाएं तो नहीं करनी चाहिए थी। फिर बताया कि देखो गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई और परमात्मा है, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि हे अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है और इसके ऊपर न पूर्ण परमात्मा है, जड़े हैं और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, और तत्वदर्शी संत इसका सब भेद जानता है, सब पार्ट्स के विषय में जो बताता वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, तो वो तत्वदर्शी संत से पूछो, वो दंडवत प्रणाम करो, उनको नम्रता से प्रश्न करो, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सारे संसार रूपी वृक्ष की यानी सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और केवल उसी की भक्ति करो, मैं उसी की शरण हूँ, अन्य की नहीं। आपका गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि और है कोई परमात्मा, उसकी भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष होगा, कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, वो परमात्मा कौन है मुझे वो बता दो महात्मा जी, मैं आपका पक्का चेला हो गया। अब वो ज्ञान दो गुरुजी, अब गुरुजी के पास तो वो ब्रजलाल पांडे वाला ज्ञान था घिसा पिटा, और फिर परमात्मा ने कहा ये ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है,
ये अविनाशी नहीं है। आप देखिए श्री देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 123 पृष्ठ पर, ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये कहाँ से छपा है ये देखिएगा, प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं, 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद, भगवान विष्णु अपनी माता प्रकृति यानी दुर्गा की महिमा सुना रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, महिमा कर रहे हैं उनकी, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्वासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यहाँ यह भी ध्यान रखना प्रकृति दुर्गा को ही कहते हैं, ये गीता जी में आपका काम आओगा जहाँ पर इन तीनों की उत्पत्ति आपको बताई जाएगी। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि सतीथि और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र सदग्रंथ ने, इस पवित्र पुराण ने पांच कंसेप्ट क्लियर कर दिए, पांच। एक तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है, तीसरा ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, चौथा ये हो गया कि तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु उत्तम गुण शिव जी हैं, और पांचवा ये हो गया कि केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसने जैसा वर्क डन किया है वैसा ही बुरा और भला दोनों ही देंगे, ये किसी में परिवर्तन नहीं कर सकते, केवल परिवर्तन कर सकता परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब, आपके पाप काट का आपको सुखी कर सकता, ओनली ओनली वन गॉड, वो कबीर साहब है। अब नानक साहब से कोई कहा ये बातें तो नानक साहब जी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा वहाँ पर देवी पुराण में, आप झूठ बोलते हो, आप हमारे देवताओं की तोहीन करते हो, आप तो यहाँ वाद विवाद करवाने आए हो, झगड़ा करवाने आए हो, यानी जैसा भी उनको हिंदू धर्म होने के नाते आपस में ज्ञान था। अब देखा नानक जी की अरुचि, परमात्मा वहाँ से उठ कर चल पड़े, कहा भक्त अक्षुब्ध ना हो, जब तक मेरी शंका का समाधान नहीं होगा मैं कैसे आपको गुरु बनाऊंगा, मेरा कैसे विश्वास दृढ़ होगा, और उठ कर चल पड़े। अब अन्य जो वहाँ बैठे थे श्रोता वो कहने लगे नानक जी से कि हे भक्त ये कौन था, आपको गुरुजी बोल रहा था और बकवाद कर रहा था ये तो। तो नानक साहब ने कहा कि ये काशी का नीच जात का था, जुल्हा धानक, और कबीर नाम था इसका, बकवाद करता है ये सारी। अब नानक साहब ने वहाँ जो, क्योंकि पुराना रंग ये आपको बताया पूरा रेगमार लगे बिना ओरिजिनल पेंट को टेकन नहीं देता, अब परमात्मा रेगमार मार गे कती घिसा घिसा के, लेकिन वो पापड़ी थोड़ी बहुत रह रही थी। अब नानक साहब जी चिंतित हो गए, फिर जाके गीता जी को पुनः देखा, देवी पुराण को देखा, पंडित जी से पूछा कि इसमें ये ऐसा लिखा है, उसने कहा लिखा तो ऐसा ही है पर ये तो वैसे लिख रखा है वैसे। अब नानक साहब की तो नींद आराम होगी, तक देख वस्तु कहाँ और खोजें कहाँ, ये तो नाशवान है इन स्पष्ट लिखा है और ब्राह्मण खुद मान रहा है कि ये तो वैसे लिखा है, लिख रखा है वैसे होया करे, वाह भाई वाह, फिर तो सारा कुछ वैसे है।
अब नानक साहब जी की दिन की चैन रात की नींद खत्म होगी और बार बार न्यू करे हे भगवान हे परमात्मा एक बार वो फिर आवे वो एक बार फिर आवे और अब के मैं उससे ढंग से बात करूं। बहुत चिंतित हो गया कि सचमुच ये तो गीता में और कोई भगवान है और उसी से मोक्ष होगा, हमने कराना मोक्ष है फिर क्या फायदा इस भक्ति करने का जब मोक्ष नहीं हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं नाशवान है। अब इसी चिंतन में हृदय से पुकार हुई, आत्मा रोने लगी कि ये फिर से बात बने कभी, फिर खुल के चर्चा करूं उससे एक बार, आ जाओ मैं विवाद नहीं करूंगा। अब परमात्मा ने साल 6 महीने के बाद फिर दया बख्शी, जब खूब लोहा गर्म हो लिया, उसी तरह सुबह सुबह स्नान करने के लिए नानक साहिब जी गए थे और स्नान करने की तैयारी में थे, उनके साथ एक दो और भी नौकर जाते थे, वो उसके उनके कपड़े लिए खड़े थे। परमात्मा वहाँ पहुँचे, कबीर साहिब जी उसी जिंदा रूप में, लेकिन उस दिन वो केवल नानक साहिब जी को ही दिखाई दे रहे थे, अन्य को नहीं। अब नानक साहिब जी ने देखा कि आ गया वही भक्त, भक्त नहीं ये तो पूर्ण ज्ञानी लगता है। अब वह उनकी तरफ गए, प्रणाम हुआ दोनों तरफ से और बैठ गए वहीं एकांत में। अब अन्य जो स्नान करने वाले थे या कोई नौकर थे वो दूर खड़े थे, वहीं खड़े रहे, आगे नहीं आए। उन्होंने देखे ये भगत नानक साहिब जी किससे बातें कर रहे हैं। दूसरे कहने लगे यूँ भगत आदमी है, अपने आप ऐसे ही कोई चिंतन कर रहा है, पता नहीं कहाँ जा रही है इसकी शुद्ध, और ये तो ऐसे बोलता रहता अपने आप, करो स्नान चलते हैं। वो अपना काम लगे रहे, स्नान करते रहे, उधर से परमात्मा की उनकी फिर से वार्ता शुरू हुई। तो फिर नानक साहिब जी ने आखिर में ये कहा कि देखो ठीक है आपका ज्ञान श्रेष्ठ है और मैंने अपने गुरु ब्रजलाल पांडे से भी पूछा, उसने भी संतुष्ट नहीं किया मुझे, लेकिन मैं आपकी एक परीक्षा लेना चाहूंगा, फिर मैं आपका शिष्य बनूंगा, फिर मैं आपकी बात स्वीकार करूंगा। क्या क्या परीक्षा लोगे? कि मैं इस दरिया में छलांग लगाऊंगा, मुझे खोज देना। अब नानक साहिब जी ने जो ही जाकर के दरिया में छलांग लगाया, नानी की तैयारी में था ही, छलांग लगाई तो बाहर नहीं आए। परमात्मा ने उनको अपस्ट्रीम में ले जाकर उनके शव को यानी शरीर को और 2-3 मील की दूरी पर जिधर से पानी आ रहा था उस साइड में जंगल में जाके बैठा दिया, वहां प्रकट कर दिया कि ले खोज दिया आपको। तो नानक साहिब जी कहने लगे अब बैठ जाओ कुछ वार्ता करेंगे, अब मुझे डिटेल से बताओ। तो परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई। अब नानक साहिब जी कहने लगे कि देखो आपकी बातों पर कुछ विश्वास है कुछ अविश्वास है, वो सचखंड आपने आज तक सुना नहीं देखा नहीं, आपके अतिरिक्त इसके विषय में कोई व्यक्ति हमें बताने वाला मिला नहीं, तो कैसे विश्वास करूं, मुझे वो सचखंड दिखा दो। परमात्मा ने कहा चल ठीक है। वो शरीर वहीं सुरक्षित रखा और सतलोक में ले गए उस प्यारी आत्मा को, नानक साहिब जी की आत्मा को। अब जिंदा महात्मा के रूप में थे परमात्मा, जिंदा वाले महात्मा के रूप में। अब ऊपर जा रहे हैं, सभी ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिखाए थे। जब ऊपर जा रहे थे आगे जाके क्या देखा नानक साहिब जी ने कि एक तख्त के ऊपर एक बहुत बड़ा गुम्बज बना हुआ है, बहुत बड़ा वहाँ एक गुम्बज है सफेद, बहुत लंबा चौड़ा, इस पृथ्वी से भी बड़ा है, इतना बड़ा गुम्बज है, और उसके सेंटर में परमात्मा का सिंहासन है सतपुरुष का, और उस सतपुरुष की एक रोम कूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है, इतना तेज है, उससे भी अधिक तेज है मालिक का।
तो नीचे से जब जिंदा वाले महात्मा में परमात्मा जा रहे थे कबीर देव जी, और वहां जाकर के वो कबीर साहब अपने उस जो तख्त पर विराजमान थे दूसरे रूप में उस पर चंवर करने लगे। नानक साहब जी ने सोचा कि ये है वो अकाल मूर्त, अकाल मूर्त यानी साकार परमात्मा जिसकी मूर्ति हो, और ये कह निराकार और नाम जप अकाल मूर्त कि ये है वो सतपुरुष। ओहो, और ये कबीर जो नीचे से जिंदा आया है ये कबीर, ये इनका कोई नौकर होगा। इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर युक्त परमात्मा खड़े हुए सतपुरुष असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर, नीचे से गए हुए जिंदा महात्मा के रूप में वो परमात्मा विराजमान हुए कबीर देव। और वो तेजो में शरीर वाला परमात्मा कबीर साहब पर नौकर की तरह चौर करने लगा, सेवक की तरह। अब नानक साहब जी सोच ही रहे थे कि ये क्या चक्कर हुआ, इस सेवक पर भगवान चौर कर रहा है। इतने में क्या हुआ, तेजो में शरीर उस जिंदा वाले शरीर में नीचे से गया था जो परमात्मा जी शरीर में, उसमें समा गए वो असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर, तकत पर अकेले कबीर देव जी कबीर साहब जिंदा महात्मा वाले रूप में विराजमान है, चौर अपने आप घूम रहा ऊपर ऑटोमेटिक। तब परमेश्वर ने कहा कि प्यारी आत्मा, आई एम गॉड, मैं हूँ वो परमात्मा जिसको मुसलमान अल्लाहू अकबर कहते हैं, और वेदों में कबीर देव मेरा नाम है, कबीर देव। तो कबीर कहो, कबीर देव कहो, ये मेरे विषय में जानकारी है चारों वेदों की, चारों वेदों में मेरे विषय में जानकारी है, लेकिन उन वेदों में मुझे पाने का मार्ग नहीं है, वो ज्ञान मैं अब देने के लिए गया हुआ हूँ। मैं बनारस में काशी में धानक रूप में रहता हूँ, कपड़ा बुनता हूँ, ज्ञान प्रचार करता हूँ, और जो मुझ पर विश्वास दृढ़ करते हैं उनको सतनाम देता हूँ, और सतनाम से जीव का मुक्ति होगी, नहीं हो नहीं सकती किसी सूरत में। और वो सतनाम दो अक्षर का है, और यदि आपने मोक्ष चाहिए तो काशी में चले जाना, वहां मैं रहता हूं। दर्शकों, नानक जी से जिंदा बाबा रूप में कबीर परमेश्वर की हुई चर्चा का यह प्रमाण पवित्र कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय स्वसम वेद बोध के पृष्ठ 158 व 159 में है, जिसमें लिखा है, नानक शाह कीण तब भारी, सब विधि भये ज्ञान अधिकारी, भक्ति भाव ताको लखियाया पाया, तापर सदगुरु कीनो दाया, जिंदा रूप धरियो हम जाई, जिंदा रूप पंजाब देश चली आई, अनहद वाणी क्यों पुकारा, सुनिके नानक दरश निहारा, सुनिके अमर लोक की वाणी, जानी परा निज समृत ज्ञानी, नानक वचन आवा पुरुष महागुरु ज्ञानी, अमर लोक की सुनी न वाणी, अर्ज सुनो प्रभु जिंदा स्वामी, कह अमर लोक रहा निजु धामी, काहू न कही अमर निजुबानी, धन्य कबीर परम गुरु ज्ञानी, कोई न पावे तुमरो भेदा, खोज थके ब्रह्मा चहु वेदा, जिंदा वचन जब नानक बहुत है तब कीना, निरंकार बहुते दिन चीन्हा, निरंकार ते पुरुष निनारा, अजर द्वीप ताकी टकसारा, पुरुष बिछो भयो तुव जपते, काल कठिन मगरों क्यों तपते, इत तुव सरिस भक्त नहीं हुई, क्योंकि पर पुरुष न भेटे नु कोई, जपते हमते बिछुरे भाई, 60,000 जन्म तुम पाई, धरी धरी जन्म भक्ति भलकीना, फिर काल चक्र निरंजन दीना, गहु मम शब्द तो उतरो पारा, बिन सत शब्द लहे यम द्वारा, तुम बड़ भक्त भवसागर आवा, और जीव को कौन चलावा, निरंकार सब सृष्टि भुलावा, तुम करी भक्ति लौटी क्यों आवा, नानक वचन धन्य पुरुष तुम यह पद भांखी, यह पद अमर गुप्त कह राखी, जब लो हम तुमको नहीं पावा, अगम अपार भर्म फैलावा, कहो गोसाई हमते ज्ञाना, परम पुरुष हम तुमको जाना, धनी जिंदा प्रभु पुरुष पुराना, बिरले जन तुमको पहचाना, जिंदा वचन भये दयाल पुरुष गुरु ज्ञानी, गहो पान परवाना बाणी, भली भई तुम हमको पावा, सकलो पंथ काल को धावा, तुम इतने अब भये निनारा, फेर जन्म ना होए तुम्हारा,
भली सुरति तुम हमको चीन्हा, अमर मंत्र हम तुमको दीन्हा, स्वसमवेद हम कही निजबाणी, परम पुरुष गति तुम्हें बखानी। नानक वचन, धन्य पुरुष ज्ञानी करतारा, जीव काज प्रकटे संसारा, धनी करता तुम बंदी छोरा, ज्ञान तुम्हार महाबल जोरा, दिया दान गुरु किया उबारा, नानक अमर लोक पगधारा। दर्शकों, इस पूरी घटना में 3 दिन बीत गए। उधर श्री जयराम जी, जो नानक जी के बहनोई थे, श्री नानक जी को दरिया में डूबा जानकर सुल्तानपुर के नवाब की सहायता से दूर तक गोताखोरों से तथा जाल डलवाकर खोज करवाई, परंतु कोशिश निष्फल रही और मान लिया कि श्री नानक जी दरिया के अथाह वेग में बहकर मिट्टी के नीचे दब गए। तीसरे दिन जब नानक जी उसी नदी के किनारे सुबह सुबह दिखाई दिए तो बहुत व्यक्ति एकत्रित हो गए। बहन नानकी तथा बहनोई श्री जयराम भी दौड़े गए, खुशी का ठिकाना नहीं रहा तथा घर ले आए। श्री नानक जी अपनी नौकरी पर चले गए, मोदी खाने का दरवाजा खोल दिया तथा कहा, जिसको जितना चाहिए ले जाओ। पूरा खजाना लुटाकर शमशान घाट पर बैठ गए। जब नवाब को पता चला कि श्री नानक खजाना समाप्त करके शमशान घाट पर बैठा है, तब नवाब ने श्री जयराम की उपस्थिति में खजाने का हिसाब करवाया तो 760 रुपये अधिक मिले। नवाब ने क्षमा याचना की तथा कहा कि नानक जी, आप 760 रुपये जो आपके सरकार की ओर अधिक हैं ले लो तथा फिर नौकरी पर आ जाओ। तब श्री नानक जी ने कहा कि अब सच्ची सरकार की नौकरी करूंगा, उस पूर्ण परमात्मा के आदेशानुसार अपना जीवन सफल करूंगा। वह पूर्ण परमात्मा है जो मुझे बेई नदी पर मिला था। जिसके बाद नवाब ने पूछा, वह पूर्ण परमात्मा कहां रहता है तथा यह आदेश आपको कब हुआ? इस प्रश्न का जवाब देते हुए नानक जी ने कहा, वह सचखंड में रहता है। बेई नदी के किनारे से मुझे स्वयं आकर वही पूर्ण परमात्मा सचखंड अर्थात सतलोक लेकर गया था। वह इस पृथ्वी पर भी आकार में आया हुआ है, उसकी खोज करके अपना आत्म कल्याण करवाऊंगा। जिसके बाद नानक जी घर त्याग कर पूर्ण परमात्मा की खोज में काशी बनारस चल पड़े। जैसा कि कबीर परमात्मा ने सचखंड में बताया था कि मैं बनारस में रहता हूँ, धाणक जुलाहे का कार्य करता हूँ, मेरे गुरु जी काशी में सुप्रसिद्ध पंडित रामानंद जी हैं। तब बनारस पहुंच नानक जी ने श्री रामानंद जी से वार्ता की तथा सचखंड का वर्णन शुरू किया। तब स्वामी रामानंद ने कहा, यह पहले मैं भी नहीं जानता था, परंतु अब मैं आंखों देख चुका हूं, क्योंकि वही परमेश्वर स्वयं कबीर नाम से आया हुआ है तथा मर्यादा बनाए रखने के लिए मुझे गुरु कहता है, परंतु मेरे लिए प्राण प्रिय प्रभु है। पूर्ण विवरण चाहिए तो मेरे व्यवहारिक शिष्य परंतु वास्तविक गुरु कबीर से पूछो, वही आपकी शंका का निवारण कर सकता है। जिसके बाद नानक जी कबीर परमेश्वर की झोपड़ी में पहुंचे और कबीर परमात्मा को एक झोपड़ी में धाणक जुलाहे की भूमिका करते देख आश्चर्य के साथ कहा था, यह धाणक जुलाहा वही परमेश्वर है जिसके दर्शन सचखंड में किए तथा बेई नदी पर हुए थे। वहां यह जिंदा महात्मा के वेश में थे, यहां धाणक जुलाहे के वेश में है। यह स्थान अनुसार अपना वेश बदल लेते हैं, परंतु स्वरूप तो वही है, वही मोहिनी सूरत जो सचखंड में भी विराजमान था, वही करतार आज धाणक रूप में बैठा है। श्री नानक जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, आंखों में आंसू भर गए। इसी से संबंधित नानक जी की वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 731 पर अंकित है। अंधुला नीच जात परदेसी, खिन आवे तिल जावे, ताकी संगत नानक रहिंदा, क्यों कर मूड़ा पावे। इसके साथ एक अन्य उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब में रागसिरी महल्ला पहला पृष्ठ 24 शब्द 29 पर मिलता है, जिसमें नानक जी ने कबीर परमात्मा का जिक्र करते हुए कहा है, एक सुवान दोए सुवानी नाल, पलके पहुंके सदा बयाल, पूड़ शुरा मुठा मुर्दार, तानक रूप रहा करतार, मैं पत की बंद ना करनी की कार, हों बिगड़े रूप रहा बिकराल, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार, रहाओ मुख निंदा आखा दिन रात, पर कर जो ही नीच सनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल, तानक रूप रहा करतार,
ठाही सुरत मुलुकी वेश हों ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता पार तानक रूप रहा करतार मैं कीता ना जाता हराम खोर हों क्या मोदेसा दुष्ट चोर नानक नीच कह बीचार तानक रूप रहा करतार। वहीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब के राग तिलंग महला पहला पृष्ठ 721 पर नानक जी ने कहा कि यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश उन करतार हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार दुनिया मुकाम फानी तहकीक दिल दानी मम सर मुए अजराइल गिरफ्ता दिल हेच ना दानी रहाव जान पिसर पदर बिरादरा कस नेस दस्तंगीर आखिर व्यफ्तम कस न दार्द चू शवद तकबीर शब रोज हश्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल गाहे नाने की कार करदम मम ई चिनी अहवाल बदबख्त हम चो बखील गाफिल बे नजर बेबाक नानक बगोयद जन तुरा तेरे चाकरां पाहाक। अर्थात हे शब्द स्वरूपी करता अर्थात शब्द से सर्व सृष्टि के रचनहार निर्गुणी संत रूप में आए दयालु सत कबीर आप निर्विकार परमेश्वर हैं। आपके समक्ष अर्थात आपके द्वार पर पूरी तरह जानकर एक हृदय से विशेष प्रार्थना है कि हे महबूब यह संसार रूपी ठिकाना नाशवान है। जीव के शरीर त्यागने के पश्चात अजराइल नामक फरिश्ता यमदूत बेरहमी के साथ पकड़कर ले जाता है। उस समय कोई साथी व्यक्ति जैसे बेटा पिता भाई चारा साथ नहीं देता। अंत में सर्व उपाय फर्ज अर्थात कोई क्रिया काम नहीं आती तथा आवाज भी बंद हो जाती है। प्रतिदिन की तरह न रुकने वाली चलती हुई वायु की तरह बुरे विचार गश्त करते रहते हैं। शुभ कर्म करने का मुझे कोई जरिया अर्थात साधन नहीं मिला। ऐसे बुरे समय में हमारे जैसे नादान लापरवाह भक्ति और भगवान का वास्तविक ज्ञान न होने के कारण ज्ञान नेत्रहीन था तथा उवा बाई का ज्ञान कहता था। नानक जी कह रहे हैं कि हे कबीर परमेश्वर आपकी कृपा से आपके सेवकों के चरणों की धूल डूबता हुआ बंदा पार हो गया। लेकिन दर्शकों कुछ लोगों को यहाँ शंका उत्पन्न हो सकती है कि वह काशी वाला कबीर नहीं था जो नानक जी को जिंदा महात्मा रूप में मिला था, तो इसकी गवाही स्वयं संत गरीब दास जी ने दी है। उन्हें भी कबीर परमात्मा नानक जी की तरह जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे और सतलोक अर्थात सच खंड दिखाकर उनका ज्ञान योग खोल वापिस छोड़ा था। तब उन्होंने कहा था, गरीब हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद ना पाया, कांशी माहे कबीर हुआ। दर्शकों इससे स्पष्ट है कि काशी वाले कबीर जी ही वह परमात्मा है जो नानक जी को बेई नदी पर एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे और जिनका जिक्र नानक जी ने अपनी वाणी में किया है। दर्शकों यहां यह भी प्रमाणित होता है कि परमात्मा साकार है और उन्हें देखा जा सकता है। वे ही सबसे बड़े भगवान और सर्व सृष्टि के रचनहार हैं। उन्होंने ही संपूर्ण मानव जाति का निर्माण किया है। सवाल नंबर दो, गुरु नानक देव जी का कहना था कि गुरु धारण किए बिना मानव जीवन का कल्याण संभव नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या नानक जी के भी कोई गुरु थे? वहीं सिख समाज में नानक जी को भगवान स्वरूप मानकर आज भी उनकी पूजा की जाती है, लेकिन क्या यह उचित है? दर्शकों सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि बाबा नानक जी के कोई गुरु नहीं थे, लेकिन यह सत्य नहीं है। नानक जी के भी गुरु थे जिसका संकेत उन्होंने अपनी वाणी में अनेक जगह दिया है। देखिए गुरु ग्रंथ साहिब राग असावरी महल्ला एक की कुछ वाणियां। साहिब मेरा एको है भाई एको है आपे रूप करे बो भांति नानक बपड़ा एव कह जो तिन किया सो सच थिया अमृत नाम सतगुर दिया गुर पूरे ते गत मित पाई
बूढ़त जग देखिया तो डर भागे, सतगुर राखे से वड भागे, नानक गुर की चरणी लागे। मैं गुर पूछिया अपना साचा बिचारी राम। अर्थात श्री नानक जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि साहिब यानी प्रभु एक ही है तथा मेरे गुरु जी ने मुझे उपदेश नाम मंत्र दिया। वही नाना रूप धारण कर लेता है, अर्थात वही सतपुरुष है, वही जिंदा रूप बना लेता है, वही धारणक रूप में भी विराजमान होकर आम व्यक्ति अर्थात भक्त की भूमिका करता है। शास्त्र विरुद्ध पूजा करके सारे जगत को जन्म मृत्यु व कर्म फल की आग में जलते देखकर जीवन व्यर्थ होने के डर से भागकर मैंने गुरुजी के चरणों में शरण ली। बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। दाता करता आप तू, तुस देवें करें पसाओ, तू जानोई सब सह दे लैसें जिंद कवाओ, कर आसन डिठो चाओ। भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा जिंदा का रूप बनाकर बेई नदी पर आए, अर्थात जिंदा कहलाए तथा स्वयं ही दो दुनिया ऊपर सतलोक अलख लोक अगम लोक व अनामी लोक तथा नीचे ब्रह्म व परब्रह्म के लोक को रचकर ऊपर सतलोक में आकार में आसन पर बैठकर चाव के साथ अपने द्वारा रची दुनिया को देख रहे हैं तथा आप ही स्वयंभू अर्थात माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, स्वयं प्रकट होते हो। यही प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में है कि कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू व्यवधाता। भावार्थ है कि कबीर परमात्मा सर्वज्ञ है तथा अपने आप प्रकट होता है। वह सनातन अर्थात सर्वप्रथम वाला प्रभु है, वह सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार है। फिर नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 465 में कहा, ए जियो बहुते जन्म ब्रह्मया ता सतगुर शब्द सुनाया। भावार्थ है कि श्री नानक साहिब जी कह रहे हैं कि मेरा यह जीव बहुत समय से जन्म तथा मृत्यु के चक्र में भ्रमता रहा, अब पूर्ण सतगुरु ने वास्तविक नाम प्रदान किया। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों से तो स्पष्ट होता है कि नानक देव जी के गुरु जी थे। चलिए अब आपको भाई बाले वाली जन्म साखी से प्रमाण सहित दिखाते हैं कि नानक जी के गुरु कबीर परमात्मा जी थे और जिन्होंने सर्व सृष्टि की रचना की। देखिए, अब आपको दिखाते हैं एक झलक कि नानक साहब के गुरु थे कबीर साहब, जिंदा महात्मा रूप में आए थे। अभी दिखाते हैं एक, ये जन्म साखी है, ये बिल्कुल सत्य शास्त्र है और उस महापुरुष पुण्यात्मा सिख द्वारा लिखा जो गुरुजी के साथ रहा करते थे। भाई बाला जी की जन्म साखी देखिएगा, जन्म साखी सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये है ई जन्म साखी, आज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते दसा पादशाह दी जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक है डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकां वाले गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर, ये यहाँ से छपी है 251 पृष्ठ पर। और साखी है ये सिद्धानाल गोष्ठी, ये कोई प्रकरण है सिद्धानाल गोष्ठी, और नीचे है आगे साखी होर चली। श्री गुरु नानक जी अंतर ध्यान होए ता मीना पर्वत पर जाई खड़े हुए, ता फिर मर्दा ने कहा, जी असी इथे किथे आए हाँ, ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना असी हुण मीना पर्वत ते आए हाँ।
तो यहाँ कोई चर्चा चली उनकी। अब 252 पर देख लो, दो सौ बावन पृष्ठ पर, आगे ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना असी 16,000 जोजन ऊपर आए हैं। आहे ता मर्दाने कहा जी यहाँ से सुमेर पर्वत कितना रहिंदा है। अब अपने मतलब भी पढ़ेंगे। ता फिर मर्दाना पूछिया जी तू सानू जो गुरु मिलिया सी उसका नाम की है। ता गुरु नानक जी कहा मर्दाना उसका नाम बाबा जिंदा आखदे हन, जहाँ तोड़ी जल और पवन है उसदे हुकम विच चलदे हन, अते अगन और मिट्टी ए भी उसदे आखे विच हन, जिस ताही बाबा जिंदा मिलेगा, जिस ताही बाबा जिंदा मिलेगा तिस ताही बाबा आखना चाहिए, होर ताही बाबा नहीं आखना। अब कहने का भाव है कि यू है सबका बाबा सबका दादा, जो मैं हमने और किसी को बाबा कहना व्यर्थ है। मर्दाने कि हा गुरु जी असी ता तुहाडे नाल सी ही रहिंदे हन, हे आहे तू सानू कद मिलिया है। ता गुरु नानक जी कहा मर्दाना अजे तू असा थी नहीं आया से, तब तक तू मेरे पास नहीं आया था। जद असी मिलन गए से ता मर्दाने कहा जी कद गए से, ता गुरु जी कहा जद सुल्तानपुर विच डुबकी लाई सी, डुबकी यानी डुबकी लाई सी, तब मर्दाना असी 3 दिन उसे पासे रहे से। मर्दाना भाई बाला जानते हैं मर्दाना वो समय गुरु है, ऐसा गुरु है जिसकी सत्ता संपूर्ण जगत नु आसरा दे रही है। कहते हैं जब सुल्तानपुर विच डुबकी लाई थी तब मर्दाना असी 3 दिन उसे पास से रहे सी, उसके पास रहे थे, और वो जिंदा महात्मा है, उसको ये स्पष्ट किया है उसका उसका नाम बाबा जिंदा अखदे हन। बोलो सतगुरु देव की जय। इसके अलावा आपको हिंदी वाली भाई बाले वाली जन्म साखी दिखाते हैं, जिसमें नानक जी ने नाम सहित कबीर परमात्मा का जिक्र किया है। देखिए प्रमाण, ये है हिंदी वाली भाई बाले वाली, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। ये भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, पंजे साहिब दस पातशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सही दर्ज है। प्रकाशक हैं भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर, ये यहाँ से छपी है। बाजार माया सेवा अमृतसर, ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। भाई चतर सिंह जीवन सिंह, ये मुद्र का जीवन प्रिंटर अमृतसर, इसमें हिंदी में और पढ़ी आराम से आनंद आओगा आपको। ये है पृष्ठ 97 पे, 197 पे, सवाल काजी रुकन दीन सूरा के, नानक साहिब जी से कोई सवाल किया, जवाब श्री गुरु नानक देव जी का। हम यहाँ से पढ़ेंगे अपने काम का। नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कोट सलाम करता ही ता तू ही होवे सबाब। अब 198 पे साखी मक्के मदीने की, वो नीचे है 198 पे,
पृष्ठ 198 पे, अब खालक आदम सिरजिया, यानी जिस भगवान ने आदम की उत्पत्ति की, आलम बड़ा कबीर, वो सबसे बड़ा परमात्मा कबीर है। अब यहाँ मुसलमान भाई कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं, तो नानक साहिब ने यह समस्या हल कर दी है कि वड्डा कबीर, इसका अर्थ भी करना भूल जाओगे कि इस कबीर का अर्थ बड़ा होगा कर दिया होगा। यहाँ पर खालक आदम सिरजिया, आलम बड़ा कबीर, और कायम दायम कुदरती सिर, पीरा दे पीर। अब क्लियर कर दिया कि वो पीरा के पीर जगत गुरु है, वो सतगुरु पुरुष कबीर हैं, चारों युग परवाने, झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसाने। सतगुरु पुरुष कबीर हैं, सतगुरु और पुरुष भगवान भी वही हैं, और यहाँ पीर रूप में आकर मिलते हैं। वेद भी गवाही देते हैं परमात्मा, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, और जिनको मिले वो गवाही दे रहे हैं कि हमें जिंदा रूप में कबीर परमेश्वर आकर मिले, वो सबसे बड़ा हो परमात्मा, बड़ा कबीर। साथ ही कबीर सागर के अध्याय अगम निगम बोध के पृष्ठ 44 पर भी इसका प्रमाण नानक वचन में मिलता है, जिसमें गुरु नानक जी ने कबीर जी की महिमा करते हुए पूर्ण गुरु की महत्ता का वर्णन किया है कि वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, पूरे गुरु की मैं बलि जावा, जाका सकल जहूरा है, अधर दुलिच परे है गुरुण के, शिव ब्रह्मा जहशूरा है, श्वेत ध्वजा फहराद गुरुण की, बाजत अनहत तूरा है, पूर्ण कबीर सकल घट दर्शय, हरदम हाल हजूरा है, नाम कबीर झपय बड़भागी, नानक चरण को धूरा है। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि नानक जी के समकालीन रहे कबीर जी ही उनके पूर्ण गुरु थे। हालांकि सिख समुदाय में गुरु नानक जी को भगवान का रूप मानकर पूजा जाता है, लेकिन वास्तव में कबीर परमात्मा समय समय पर सतगुरु का रूप धारण करके धरती पर प्रकट होते हैं और समाज को वास्तविक भक्ति मार्ग से परिचित करवाते हैं। इसी नियम अनुसार कबीर परमात्मा नानक जी को मिले, उन्हें सत्य ज्ञान से परिचित करवाया, जिसके बाद नानक जी ने समाज में फैले पाखंडवाद और कुरीतियों को उजागर किया और जगह जगह उदासियां करके परमात्मा के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया। लेकिन गुरु नानक जी स्वयं को कभी परमात्मा नहीं मानते थे और न ही उन्होंने अपनी पूजा करने का आदेश दिया था। उन्होंने अपने कालखंड में अपने अनुयायियों को मंत्र जाप का निर्देश दिया और कबीर साहेब की भक्ति का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाओं और साखियों में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि उन्होंने केवल एक सर्वव्यापी परमात्मा कबीर साहेब की पूजा और नाम जाप का निर्देश दिया था। उनके उपदेशों में कहीं भी इस बात का प्रमाण नहीं मिलता कि गुरु नानक जी ने स्वयं को भगवान मानकर पूजा करने का आदेश दिया हो। अतः यह गौर करने योग्य है कि वर्तमान में नानक जी को भगवान मानकर की जा रही पूजा और साधना शास्त्रों और गुरु नानक जी के वचनों के विपरीत है, जिसे पवित्र शास्त्रों में मनमाना आचरण कहा गया है, जिससे लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि और गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, देखिएगा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं आपको, 23 और 24 में, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, स्वर में जाएगा 24 मसला, इससे तेरे लिए कर्त्यो रह कर्त्यो की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णित है वही साधना कर, अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। सवाल नंबर 3, सदियों से गुरु नानक देव जी को मानने वाले सिख समुदाय के लोग झपजी साहिब की प्रथम पंक्ति एक ओंकार और वाहेगुरु सतनाम को विशेष मंत्र के रूप में मानकर जाप करते हैं, लेकिन क्या नानक जी ने भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन्हीं मंत्रों का जाप किया था? वास्तव में किन मंत्रों से उनकी मुक्ति हुई और क्या है सतनाम का रहस्य? दर्शकों, यह तो हम सभी जानते हैं कि सिख समुदाय के लोग झपजी साहिब की प्रथम पंक्ति एक ओंकार और वाहेगुरु सतनाम को गुरु मंत्र मानकर जाप करते हैं, तथा मान्यता है कि बाबा नानक ने भी
इन्हीं मंत्रों का जाप करके परमात्मा की प्राप्ति की थी। हालांकि इसका प्रमाण नानक जी की साखियों में कहीं नहीं मिलता। जबकि नानक जी जिस दो मंत्र के सतनाम का जाप करते थे, उसका प्रमाण भाई बाले वाली जन्म साखी में भी मिलता है। देखिए, वो दिखाते हैं आदरणीय नानक साहब जी ने क्या जाप किया। एक समय मर्दाना और बाला दो सेवक थे, उनके साथ रहा करते थे। उन्होंने प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, हमें एक बार श्रीलंका की सैर करा दो। नानक साहब जी ने कहा कि आंखें बंद करो। आंखें बंद करके खोली तो समुद्र के किनारे खड़े थे। नानक साहब जी ने कहा कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ, जल के ऊपर चलेंगे जैसे पृथ्वी पर चलते हैं, और तुम वाहे गुरु कहते रहना। अब वो दोनों वाहे गुरु करते हुए चल पड़े। नानक साहब जी वो दो अक्षर का मंत्र उच्चारण करके जाप सुमन करते जा रहे थे। मर्दाना ने सोचा, गुरु जी तो ये दो अक्षर का मंत्र जाप कर रहे हैं, मैं भी क्यों ना यही मंत्र करूं। तो उसने दो अक्षर का मंत्र जाप शुरू किया, वो लगा डूबने। तब नानक साहब जी ने कहा कि मर्दाना, गुरु की आज्ञा की अवहेलना करने से ये दंड लगता है, तो वही मंत्र कर जो मैंने बोला है। तो फिर वो वाहेगुरु कहने लगा, फिर उसी तरह जल के ऊपर थल की तरह चलने लगा। अब यहाँ झटका देना अनिवार्य था नानक साहब जी के द्वारा कि नहीं तो ये नाम सार्वजनिक हो जाता। ऐसा भय मान गया पूरा सिख समाज कि यदि इस नाम का जाप कर लिया तो मर्दाना की तरह दंडित हो जाएंगे और गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना होने से हानि हो जाएगी। इसी कारण से वो प्राण संगली के अंदर नानक साहब जी ने सारा भी डिटेल लिखी थी, उसको गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं रखा, बल्कि उसको समुद्र दरिया में बहा दिया था। वो तो एक संत ने प्रार्थना करके निकाल लिया, उसका कुछ अंश बच गया, बाकी अध्याय वो नहीं रखे, साथ में छोड़ दिए। तो अब दिखाते हैं आपको, ये है सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये है ई जन्म साखी, अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन यानी पुरानी है भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते दसां बादशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकां वाले गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर, ये यहाँ छपी है। अब इसके हम चलते हैं 547 पृष्ठ पे। ये है 547 पृष्ठ समंदर दी साखी। बाला संधु उवाच, यानी बाला संधु ने उवाच माने उसका कथन। ताते है गुरु अंगद जी जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए ता मर्दाने किया सच्चे पातशाह जी असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है ता गुरु नानक जी किया चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना आँखी मिटो आँखी बंद करो जा आँखें मीट के खोलियाँ ता समंदर दे कंडे जाई खड़े हुए ते आखन लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ मुखों वाहेगुरु कहंदे आओ ते आगे आगे गुरु जी तुर पए जैसे धरती ऊपर तुरदे सन उसे तना समुंदर ऊपर तुर पए ता चले जान जावण ते पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावण ता मर्दाना विचार कीती कि गुरु जी गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावण ता गुरु नानक जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है ता गुरु
जी किया मर्दाना, गुरु दी करने वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना, वाहे चाहिए तू मर्दाना ओही अख आख जो असा आखिया है। ता मर्दाना फेर लगा वाहे गुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। अब आप जी ने ये तो पंजाबी वाली पढ़ी, क्योंकि अब पंजाबी के जानने वाले पंजाब स्टेट को छोड़कर पूरे भारत में बहुत कम ही है। अब हिंदी इन्हीं के द्वारा अनुवादित है, थोड़ी सी ये भी झलक दिखाएंगे, देखिएगा। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, भाई चतर सिंह जवाहर सिंह अमृतसर से छपी है, पंजे साहिब और दस पातशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सही दर्ज है, ये यहाँ से प्रकाशित है। भाई चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माई सेवा अमृतसर, फोन और फैक्स नंबर ये है इनके, और ये प्रिंटेड जीवन प्रिंटर्स अमृतसर, फोन नंबर इतने, इसके 500 देखिए 59 पृष्ठ पे, ये है 559 यानी 559 पृष्ठ, समंदर की साखी, साखी समंदर की। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करे, क्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ मान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चलो चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी तरह जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। तब वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंस कर कहने लगे, ए मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरु की के गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। तब मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई। तब फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अपने आत्मा ये विचारणीय विषय है कि नानक साहेब जी स्वयं तो जाप कर रहे हैं और शिष्यों को मना कर रहे हैं। कारण क्या था? जिन भी महापुरुष को परमात्मा ने अपना एफिडेविट बनवा, अपना गवाह बनवाया, साक्षी बनाया, उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी सतनाम को डिस्क्लोज ना करना। धर्मदास मेरी लाख दोहाई, ये मूल ज्ञान कितबार न जाई। मूल ज्ञान अलग है और सार नाम अलग है। तो यहाँ पर गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि सोहम शब्द, कबीर साहब कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। आदि नाम को अभी डिस्क्लोज नहीं किया, केवल इस दास पर मेहर करी, इन महापुरुषों को दिया। अब इन्होंने सतनाम को भी डिस्क्लोज करना नहीं, आदेश था इनको कि नहीं बताना किसी को, ना काल के दूतों को हाथ लग गया, जल काम बिगड़ जाएगा सारा, अब कैसे पहचान करवाते हम, अब सारे फेल हो गए, ये सब खिसियानी से हुए बैठे, अब क्या करें, सबके जड़ दिखा दी, अब ये सभी पंथ खत्म हो जाएंगे कुछ दिनों में, बुद्धिमान लोग है, कोई बालक थोड़े ही है, अपना जीवन नष्ट करेंगे उन मूर्खों के पास लग गए, जिनको तत्व ज्ञान नहीं, उनके पास कोई समाधान नहीं, लग चले, इसीलिए तो गए थे एक डॉक्टर के पास, हमारा रोग कटे, अब पता लग गया उसने तब राख की पुड़िया बांध रखी है, दवाई है ही नहीं, तो कौन मरेगा उनको खाकर। अपने आत्मा एक थोड़ा सा प्रमाण और दिखाते हैं कि नानक साहिब जी को परमात्मा का आदेश था कि अभी इसको कति नहीं बताना, ये इसी जन्म साखी में आपको प्रमाणित करते हैं। अब इसके अंदर एक साखी सचखंड की चली है, साखी सचखंड की,
एक बार नानक साहिब जी, इसमें लिखा है कि सचखंड में गए और वहाँ निराकार बैठा था। अब ये भी इन महापुरुषों ने इस ज्ञान को थोड़ा सा गोलमोल ही करना था, नहीं तो इनके समझ में आ जाती है, क्योंकि राधा स्वामी पंथ तो चला ही गुरु नानक देव जी के ही समर ग्रंथ से ही, वो शिवदयाल जी की वाणी पढ़ा करता। इसके समझ अब ना ये कहानी के पांच नाम 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 धुन धुन सुन दी, उसमें पांच नाम तंत्र धुनकार धुन, और फिर कबीर साहब की वाणी से ले लिए, करने नो दीदार महल में प्यारा है, और उससे भी अज्ञानी ने वो सारे नकली छांट लिए जो कति काम के नहीं। इसके उसके अंदर तो और भी ओरिजिनल मंत्र भी हैं, वो नहीं समझ में आए, वो मूल ज्ञान है मालिक का। तो वहाँ जब इन्होंने नानक साहब जी की वाणी को गहराई से समझना कि सतलोक में परमात्मा निराकार नहीं है, वो तेजो में लोक है, वो सौ प्रकाशित सतलोक है, और परमात्मा भी सत सौ प्रकाशित है, उसका शरीर है मनुष्य दृश्य है, और वो तख्त पर बैठा है। निराकार का तख्त पर के बैठा है, फिर ये देखना, ये वही जन्म साखी है जो अभी आपको जिनके विषय में सारी डिटेल दिखाई थी। ये अब इसके 275 पृष्ठ पे आपको 275 पृष्ठ पे साखी सचखंड की यह देखना। आगे साखी सचखंड दी चली ता गुरु नानक जी धुर सचखंड दरबार में जाई पहुंचे, जहां बड़ा प्रकाश है और प्रकाश रूप तकत के ऊपर सत निरंकार ज्योति स्वरूप बैठे हैं। देखा, अब संतों के कोड वर्ड को वो के समझे, अब संपूर्ण जगत अवतार, संपूर्ण जगत अवतार हाथ जोड़ कर खड़े हैं, अते बाबा नानक जी ने ऊ जो कोटान सूरज के समान, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है, और कोटान चंद्रमा जैसा शीतल इसका प्रकाश है, उस सच्चे प्रकाश विखे प्रवेश किता, यानी सतलोक में प्रकाश ही है बहुत, उस ज्योत रूप भगवान की सतूत करी, अस्तूत यानी प्रार्थना की सतुति करी, अते आगे उस सत स्वरूप निरंकार विष्णु जी विराजमान है उस तकत पर। वो कहते हैं विष्णु जी विराजमान है, बालार ने क्या पता ये कौन था। अच्छा, सर्व सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान भगवंत जी ने कहा, आओ नानक भगत तू सदा ही मेरे ही में मिलिया है, अते और मेरे से और मेरे में कोई तेरे में और मेरे में कोई भेद नहीं, पर जिस वास्ते संसार में सतनाम उपदेश के जपाउण के वास्ते गए से, सो सो दृढ़ाया है, ता श्री गुरु नानक जी कहन लगे कि हाते सर्वज्ञ स्वामी हे सब के मालिक, जहाँ आप जी दी आज्ञा, जहाँ आप जी दी आज्ञा भई तहाँ सतनाम दा चक्कर फेरिया है, और जहाँ जहाँ आपका हुक्म होवेगा तहाँ तहाँ सतनाम का चक्कर फेरेंगे, आगे जिवें आपकी रजाई होएगी, जैसे आपकी कृपा होगी उसी त्यों ही होएगा। इससे क्या सिद्ध हो गया कि इन महापुरुषों को सख्त हिदायत थी,
जैसे धर्मदास साहिब जी की वाणी में तो स्पष्ट मिल रहा है कि धर्मदास मेरी लाख दुआई और ये सार नाम और ये सतनाम की तबार ना जाई, ये सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नी तेरी, आप बिचली पीढ़ी के हंसो पुणात्मा हो। अब परमात्मा ने कह रखा कि पूरे विश्व में इस सतनाम के आधार से सार नाम प्राप्त करके पूरे प्राणी, सभी प्राणी जो इस नाम को ग्रहण करेंगे इस दास से, सारे सतलोक चले जाएंगे, ये ऐसे मोक्ष होगा। इसी दो अक्षर के सतनाम का प्रमाण नानक जी ने हिंदी प्राण संगली भाग दो, राग भैरव, महला एक, पौड़ी 32, पृष्ठ 103 में भी दिया है, जिसमें लिखा है, साध संगति मिलिया मनुमाना, न मैं ना ऊं सोहन जाना, सगल भवन मही एको ज्योति, सतिगुर पाया सहज सरोद, नानक किलविश काट तहा ही, सहज मिले अमृत सी चाही। अर्थात नानक साहेब कह रहे हैं कि नामों में नाम ऊं सोहन यही सतनाम है, इसी से पाप कटते हैं, जिसका संकेत गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में भी किया गया है। चलिए अब आपको वाहेगुरु सतनाम के रहस्य से अवगत करवाते हैं। दर्शकों, जिस वाहेगुरु सतनाम के जाप से सिख समुदाय के लोग मोक्ष मानते हैं, उसके जाप से तो केवल कर्मफल ही मिलता है, तथा नानक जी ने वाह वाह क्यों कहा था, इसका प्रमाण प्राण संगली के पृष्ठ 40 व 42 पर है। पृष्ठ 40 पर नानक जी ने कहा है, जब अपने प्राणपिंड की जानी तब प्रगटी वाह वाह की वाणी। अर्थात श्री नानक जी ने कहा है कि जब मुझे अपने जीवन तथा शरीर का ज्ञान हुआ कि यह जीव सतलोक से आया है, वहां जन्म मरण हिंदू मुसलमान नहीं है, वहां यह पांच तत्व का पिंड शरीर नहीं है, उस लोक में सर्व सुख है, तब वह वाह वाह का वचन अपने आप मुख से निकलने लगा। फिर पृष्ठ 42 पर नानक जी ने कहा कि तह वाह वाह आप अशाइंदा गुर शब्दी सचु सोई, नानक वाह वाह कर दिया कर्मी प्राप्त हुए, वाह वाह करती रसना सुहाई, पूरे शब्दी मिलिया प्रभु आई, वाह वाह मुखी सहज खड़ाई, वाह वाह सियू प्रभिनाई। अर्थात श्री नानक देव जी ने कहा है कि मेरे मुख से वाह वाह का शब्द अपने आप ही निकलने लगा। वाह वाह के जाप से केवल किया कर्म ही प्राप्त होता है, पूरे शब्द अर्थात मंत्र से परमात्मा सहज मिल जाता है, पूरा शब्द अर्थात सतनाम तथा आदि नाम है, इससे परमात्मा प्राप्ति है, तथा वाह वाह से केवल किया कर्म ही मिलता है, मोक्ष नहीं। साथ ही इसी का प्रमाण आदरणीय संत गरीबदास जी ने अमर ग्रंथ साहिब के अध्याय फुटकर साखी के अंग में दिया है, गरीब जाखी दे कबीर की नन किती वाह, वा सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे ताह। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि नानक जी ने कबीर परमात्मा को ही वाहेगुरु कहा है, तथा वाहेगुरु सतनाम का जाप करते रहने से मोक्ष नहीं मिल सकता। वहीं यदि एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद की बात करें तो यह परमात्मा तथा परमात्मा प्राप्ति के सतनाम मंत्र का गुणगान है, इससे मोक्ष नहीं मिलता, यानी मोक्ष तो केवल पूर्ण संत से प्राप्त सतनाम से ही संभव है। सवाल नंबर 4, गुरु नानक जयंती पर प्रभात फेरियाओं निकालना, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी का अखंड पाठ करना, पालकी में गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेकर जुलूस निकालना, अस्त्र शस्त्रों की कला का प्रदर्शन करना और बड़े बड़े लंगर लगाना, क्या वास्तविक आध्यात्मिक लाभ प्रदान कर सकती है? बाबा नानक जी की प्रेम और श्रद्धा में उनके ननकाना साहिब यानी तलवंडी की यात्रा करना निश्चित रूप से श्रद्धा की भावना को दर्शाते हैं, लेकिन गहराई से विचार करें तो ये सभी क्रियाएं बड़े बड़े लंगरों का आयोजन करना, गरीबों की मदद करना और गुरुद्वारों में सेवा करना निसंदेह श्रद्धा को दर्शाता है, लेकिन इन कार्यों का वास्तविक लाभ भी तभी मिलता है जब हम पूर्ण संत की शरण में रहकर इन्हें करते हैं, अन्यथा ये अच्छे कार्यों में तो आते हैं परंतु श्रद्धालु वास्तविक लाभ से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि कबीर परमात्मा ने कहा है, कबीर गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं पूछो वेद पुराण। अर्थात गुरु धारण किए बिना चाहे राम नाम की माला घुमाते रहो चाहे दान करते रहो, ये दोनों ही व्यर्थ हैं।
वहीं गुरु ग्रंथ साहिब के सीरी राग महला पहला पृष्ठ 946 में लिखा है, बिन सतगुर सेवे जोग ना होई, दिन सतगुर भेटे मुक्त ना कोई, दिन सतगुर भेटे नाम पाया ना जाए, बिन सतगुर भेटे महा दुख पाए, बिन सतगुर भेटे महा गर्भ गुबार, नानक बिन गुर मोआ जन्म हार। इस 70 नंबर पौड़ी में स्पष्ट किया है कि बिना गुरु के कोई भक्ति पूर्ण नहीं होती तथा गुरु के बिना सतनाम प्राप्त नहीं हो सकता और जीव का अभिमान समाप्त नहीं हो सकता। नानक जी कहते हैं कि बिना गुरु के यह प्राणी अपना जीवन हार जाता है, अर्थात व्यर्थ समाप्त कर जाता है। तो दर्शकों, अब प्रश्न यह उठता है कि वर्तमान में वह पूर्ण गुरु कौन है जिनके सान्निध्य में हम गुरु नानक जी के सिद्धांतों का पालन करते हुए सच्चे मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। सवाल नंबर 5, वर्तमान में वह पूर्ण गुरु कौन है जो समाज को सच्चे मंत्रों और सच्ची सतभक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं, उनकी पहचान के विशिष्ट लक्षण क्या हैं? दर्शकों, प्रत्येक धर्म में वर्तमान समय में अनेकों संत और महंत गुरु की पदवी धारण किए बैठे हैं, तो प्रश्न उठना लाजमी है कि आखिर पूर्ण गुरु की पहचान कैसे की जाए। इसके लिए हमारे धर्मों की पवित्र पुस्तकें ही प्रमाण हैं, जो हमें पूर्ण संत की पहचान के संकेत देती हैं। उदाहरण के लिए, क्योंकि गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में स्पष्ट किया गया है कि पूर्ण गुरु अर्थात तत्वदर्शी संत वह है जो संसार रूपी उलटे लटके हुए वृक्ष के सभी विभागों को वेदों अनुसार बताता है कि मूल रूपी परमात्मा कौन है और उससे निकलने वाले तना, डार, शाखा, पत्ते आदि कौन है। साथ ही गुरु के लक्षण बताते हुए कबीर परमेश्वर ने कबीर सागर अध्याय जीव धर्म बोध के पृष्ठ 1960 में कहा है कि गुरु के लक्षण चार बखाना, प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाता, दूजे हरि भक्ति मन कर्म बाणी, तीसरे समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, यह चार गुरु गुण जानो मर्मा। अर्थात पूर्ण गुरु वह है जो वेदों तथा अन्य सभी ग्रंथों का पूर्ण ज्ञानी हो, वह वेदों के अनुसार परमात्मा की भक्ति मन कर्म वचन से स्वयं करता है और करवाता है तथा उसकी करणी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता। वह सर्व अनुयायियों को समान दृष्टि से देखता है, ऊंच नीच का भेद नहीं करता और गीता में वर्णित उलटे लटके हुए वृक्ष का भेद वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया जा रहा है, जिन्होंने अपने सत्संगों में बताया है। कबीर, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। कबीर, हम ही अलख अल्लाह हैं, मूल रूप करतार, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं ही सृजनहार। अर्थात कबीर जी ने कहा है कि इस संसार रूपी वृक्ष की मूल यानी जड़ रूप करतार मैं हूँ। गीता अध्याय 15 श्लोक 17, गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में जो उत्तम पुरुष परमात्मा कहा है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला अविनाशी परमेश्वर कहा है, वह मैं कबीर हूँ। दर्शकों, जैसे पेड़ की परवरिश मूल यानी जड़ से होती है, इसी प्रकार परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी से असंख्य ब्रह्मांडों की परवरिश होती है। दर्शकों, पूर्ण गुरु की जो पहचान पवित्र गीता में और कबीर परमेश्वर द्वारा पवित्र कबीर सागर में जो बताई गई है, उसके अनुसार वर्तमान में पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं, जो अपने अनुयायियों को दीक्षा के दौरान उसी दो अक्षर के सतनाम को देते हैं जो कबीर परमेश्वर ने नानक जी को दिया था, जिसके जाप से नानक जी का मोक्ष हुआ और हम सबका हो सकता है। दर्शकों, इस सृष्टि के सृजनहार के विषय में ऋग्वेद मंडल एक सूक्त 1 मंत्र 5 में कहा गया है कि सर्व सृष्टि रचनहार कुल का मालिक कबीरदेव अर्थात कबीर परमात्मा है, जो तेजोमय शरीर युक्त है, जो साधकों के लिए पूजा करने योग्य है, जिसकी प्राप्ति तत्वदर्शी संत के द्वारा बताए वास्तविक भक्ति मार्ग से देव स्वरूप भक्त को होती है। फिर ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3 में वेद ज्ञानदाता ने कहा है कि जो पूर्वोक्त परमात्मा कवियों की भूमिका करके अपना तत्व ज्ञान प्रदान करता है, वह कबीरदेव अर्थात कबीर प्रभु है, जिसकी प्रभुता सर्व ब्रह्मांडों के प्रभुओं पर है। वह सदा एक रस रहता है, अर्थात मरता व जन्मता नहीं है, वह मनुष्य सदृश शरीर से सुशोभित है। वहीं अथर्व वेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 में लिखा है कि जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी सबसे बड़ा स्वामी अर्थात परमेश्वर आत्मा का आधार, जो पूर्ण मुक्त होकर सतलोक गए हैं, उनको सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, काल ब्रह्म की तरह धोखा न देने वाला, ज्यों का त्यों
वह स्वयं कबीरदेव अर्थात कबीर प्रभु है। यही परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों व प्राणियों को अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न करने के कारण माता भी कहलाता है तथा पिता तथा भाई भी वास्तव में यही है तथा परमेश्वर भी यही है। दर्शकों, वेदों के इन सभी प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि वास्तव में पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमात्मा है जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया और उन्हीं की शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से हमारी आयु बढ़ सकती है। गुरु नानक जी ने पूर्ण परमात्मा के विषय में कहा है, हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार, नानक बुगोयत जनुतुरा तेरे चाकरा पाखाक। संत गरीबदास जी महाराज ने अपनी वाणी में बताया है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद ना पाया, काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय दादू साहेब जी ने कहा है कि जिन मोकू निज नाम दिया सोई सदगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। आदरणीय मलुकदास जी ने कहा है कि जपोरे मन सदगुरु नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। जिसकी संपूर्ण जानकारी जानने के लिए आप संताराम पाल जी महाराज YouTube चैनल पर संताराम पाल जी महाराज के सत्य आध्यात्मिक सत्संगों को प्रतिदिन अवश्य सुने और अपने मानव जीवन का कल्याण करवाएं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, परमात्मा के प्रति विशेष प्रेम और आस्था रखकर अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं सिख समाज के पुण्यकर्मी लोग। आज हम आपको जिस साधक की कहानी सुनाने जा रहे हैं वो भी इसी श्रद्धा के साथ अपने दिन को प्रारंभ करते थे। ये हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा के रंजीत सिंह जी, पांच वाणियां व श्री गुरु ग्रंथ साहिब की गुरवाणी का पाठ नित्य रूप से किया करते थे। लेकिन अचंभे की बात यह है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ये पढ़ते जरूर थे पर उन अमर वाणियों में लिखे गूढ़ रहस्यों को समझ नहीं पाते थे। काफी प्रश्न उठते थे, जैसे श्री गुरु नानक देव जी ने किस वाहे गुरु की ओर इशारा किया है और कौन से जब से सचखंड प्राप्ति हो सकती है। इसी कश्मुकश में उलझे रंजीत जी को 2015 में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन सुनने को मिले जिसमें गुरुवाणी से उजागर किए गए सभी तथ्यों को देख ये आश्चर्यचकित रह गए। संत जी से नाम दीक्षा लेने के बाद रंजीत जी को वो गुरु मिल गया जिसके विषय में गुरु नानक जी ने कहा है, नानक कहे एक गल नाम बिना सब चखना चाख। इन्हें वो भगवान मिल गया जिसके विषय में अंकित है आलम बड़ा कबीर। और सबसे बड़ा लाभ ये है कि रंजीत जी को उस दुखहर्ता भगवान की कृपा से बहुत सुख मिले हैं। अब आप स्वयं सुनिए रंजीत जी की मुंह जुबानी इनके जीवन की ये प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रणजीत दास जी। सर कहाँ से हैं आप? जिला कुरुक्षेत्र तहसील पेवा जी हरियाणा से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने नाम दीक्षा जी 25 अक्टूबर 2016 में ली जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं सिख समाज से बिलोंग करता था। हम गुरु द्वारे के बगैर किसी और को नहीं मानते थे, हम गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मानते थे और पांच वाणी का पाठ करता था। मैंने अमृत छका हुआ था और मैं कम से कम भी 30-32 साल से पांच वाणी का पाठ किया करता था और मैं किसी भी नशे पत्ते से नहीं था, सब इन बुराइयों से मैं अलग था। और ये भक्ति मैं काफ़ी देर से मतलब इनकी कर रहा था। मेरे मन में ये वाणी पढ़ते हुए और ये भक्ति करते हुए मेरे अंदर काफ़ी सवाल थे जो मैं गुरबाणी में से मुझे मिलते थे, जो मेरे अमर छकने के बाद मैच नहीं कर रहे थे। गुरु नानक देव जी की जो वाणी थी वो कुछ और कह रही थी और जो हम जो अपनाए हुए थे उससे मेल नहीं खा रहा था। तो परमात्मा की कृपा ऐसी हुई कि मैं 2015 से संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखने लगा TV के ऊपर। ऐसे मैं गुरबाणी सुना करता था, एक दिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखा और एक दिन ऐसा ही हुआ जी कि मैं गुरु जी गुरबाणी में से ही कुछ अंश कुछ शब्द बताने लगे तो मेरे जो सवाल थे उनके थोड़े थोड़े जवाब मुझे मिलने लगे। जैसे वाणी में मैं जपजी साहब का पाठ किया करता था उसमें पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगा मान पंचे सोए दर है जान, इस शब्द का मुझे बिल्कुल संतोषजनक कहीं से भी जवाब किसी ज्ञानी से किसी ग्रंथी से भी नहीं मिलता था।
और जो गुरु नानक देव जी की वाणी थी उसमें जन्म मृत्यु का रोग है, इसको कटवाने के लिए गुरु नानक देव जी ने वाणी में जो लिखा हुआ है, वाणी में कहा था, जे को जन्म मरण ते डराए सात जना की सरनी पर आए। तो मैं ये मेरे मन में सवाल होता था, गुरु नानक देव जी तो कहते हैं कि साधु को ढूंढ, उसको वो तुम्हें मरण मोक्ष से, ये जन्म मृत्यु के रोग से छुटवा देगा। उस टाइम परमात्मा की कृपा हुई, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज 2015 में मुझे सत्संग देखने को मिला। मैं लगातार इन प्रोग्रामों को देखता रहा, जिसमें संत रामपाल जी महाराज एक दिन भाई बाले वाली साखी खोल के दिखा रहे, जिसमें 547 सफ़े के ऊपर समुंदर की साखी आती है। उसमें बाला और मर्दाना गुरुजी से निवेदन कर रहे थे कि हमें वो श्रीलंका में जो जहाँ रामचंद्र जी ने चढ़ाई करी थी वो लंका दिखाओ जी, जो समुंदर था जहाँ पुल बनाया गया था वो नहीं देखा हमने, वो दिखाओ जी। उस साखी के अंदर गुरु नानक देव जी बाला और मर्दाना के सामने जो वो नाम सतनाम के दो अक्षर का नाम था, वहाँ गुरु जी ने हमें दिखाया उस समुंदर की साखी में। तब मेरे को बहुत अचंभित होया मैं कि ये दो जो अक्षर हैं इनको सतनाम कहा जाता है। ये मेरा पहला सवाल तो यहाँ से पूरा हुआ जी। सतनाम देखने के बाद मैं गदगद हो गया कि यही सतनाम है जो वाणी में, गुरु रामपाल जी तो कुल 60-70 साल के होंगे, ये वाणी तो जब की लिखी हुई है, जब पाँचवें पातशाह ने लिखी थी, ये वो तो लिख नहीं गए इसमें नाम ये। तो मैं इस बात से संतुष्ट हो गया। फिर दूसरा मंत्र जो था, जो प्रथम मंत्र मिलता है हमें, पंच शब्द तित घर सभागे, घर सभागे वाणी में मैं पढ़ता था, पंच शब्द तित घर सभागे, घर सभागे शब्द बाजे कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते काल कंट को मारिया। ये पांच शब्द कौन से हैं जो काल को भी कर देंगे, जो पांच दूतों से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से छुटा देंगे। तो वो शब्द भी मुझे एक दिन ऐसे दया हुई मालिक की, 35 अखरी में गुरुजी अपने सत्संग में दिखा रहे थे, 35 अखरी में वो पांच मंत्र वो भी दिखाए। फिर मेरा सवाल था कमलों वाला, वो भी कमल गुरुजी ने जो पिंडे सोबर मंडे जी हमने पहले पढ़ रखा था गुरु नानक देव जी की वाणी में, पर हमारे शरीर के अंदर ये कमल भी दिखा दिए गुरु रामपाल जी महाराज ने। और जब वो मुझे कमल देख लिए, मेरी काफ़ी दृढ़ता बनेगी फिर, पूर्ण परमात्मा कौन है जिसको हम अकाल पुरख काल पुरख करते थे, हम संत ही माना करते थे। जब गुरुवाणी के अंदर, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर कबीर साहब के बारे में गुरु नानक देव जी की जो वाणी थी वो दिखाई गई, 721 पृष्ठ पे लिखा था, जक गुप्तम पेश तो दरकून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार। जब इसका अर्थ करके गुरु नानक देव जी की वाणी का संत रामपाल जी महाराज ने बताया, तो मैं ये भी हमें विश्वास होने लगा। और 24 पृष्ठ के ऊपर जो गुरु नानक देव जी की पहली उदासी काशी की ही है, हमारे ये इतिहास में है, तो मैंने वो जो वाणी वहाँ बोली गई थी, फाही सुरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा स्याणा बहुता पार, धानक रूप रहा करतार, एक तेरा नाम तारे संसार, मेरी एहो आस एहो आधार, नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करतार। और इन ये चार बार लिखा हुआ है, मैंने सब जो गुरुजी दिखाया करते थे, मैं मेरे घर के पीछे ही गुरुद्वारा, मैं सुबह जाके वहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी को खोल के उनको देखता था, ऐसे मैंने सारा मिलान किया, तो मेरी सारी जो सवाल थे मेरे सब सवालों के जवाब मिलते चले गए, परमात्मा ने कृपा करी, इसलिए हम उस पर दृढ़ हुए। इन सारी चीज़ों के जब मुझे जवाब मिलने लगे, तो उसके बाद मैं ये सारा ज्ञान समझने के बाद मैं यहाँ कुरुक्षेत्र आया, और कुरुक्षेत्र आकर नामदान सेंटर पे मेरी भक्तमती ने और मैंने दोनों ने गुरु संत रामपाल जी महाराज से यहाँ मैंने नाम ग्रहण किया। सर, आपने बताया कि आप अपना गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानते थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज को आपने अपना गुरु क्यों माना, क्या कारण था? सर, मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु मानता हूँ, जैसे आदेश हुआ था उसी हिसाब से, लेकिन हम आज तक क्या कर रहे थे कि हम उसका कहना नहीं मान रहे थे, जो उसमें लिखा था उसके मुताबिक नहीं हम चल रहे थे, हम अपनी मनमानाचरण ही करते थे, हम तो सोचते थे गेड़ा काटा और बाणी पढ़ ली हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन जो गुरु नानक देव जी को परमात्मा मिले, जो उन्होंने उसमें कहा था मैंने वो करके देखा, उसके बाद मेरे सारे सवालों के जवाब मिले। तो किसी भी साधु संत जो पूरी पृथ्वी के ऊपर है, जगत गुरु तद्दर्शी संत नहीं मिल रहा था, ना गुरु संत रामपाल जी महाराज के बगैर ये जगत गुरु तद्दर्शी संत नहीं लिखा जाता और किसी के सामने भी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि संत रामपाल जी के बगैर पूरी पृथ्वी के ऊपर
कोई तत्दर्शी संत नहीं है और ना ही कोई सतगुरु है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा छोटा भाई है, उसके दो लड़के, एक 24 साल का, 28 साल का। हम गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, पाठ भी कराए, हमारे पास पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, किसी तरह का कोई कमी नहीं है। दोनों बेटे हमारे 24 साल का, 28 साल का ख़त्म हो गए। और मैं नहीं कहता कोई गुरुद्वारा ऐसा छोटा होगा जहाँ हमने पाठ नहीं कराया होगा और अरदासें नहीं करी होंगी, लेकिन हमारी सुनाई नहीं हुई कहीं भी। और ये चीज़ें मुझे झंझोड़ रही थी बहुत, क्योंकि हमें कोई लाभ ही नहीं, वाणी पढ़ने से भी, पाठ करने से भी कोई लाभ नहीं मिल रहा था। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? लाभ तो मुझे बहुत हुए हैं, लेकिन जिनमें से मैं कुछ आपको जो मोटे मोटे लाभ हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। लाभ तो गिनते सारी रात भी निकल जाए, सारा दिन भी निकल जाए, जो जीव का थूक सूख जाएगा, इतने लाभ देता है परमात्मा। मेरे ताऊ जी और मेरे पिताजी दोनों के कानों से नहीं सुनाई देता था, ये हमें पीढ़ी दर पीढ़ी लगा हुआ था ये रोग हमारे परिवार में। इसी तरह मेरे भी 50-55 साल की उम्र में जब मैं आया, 50-52 साल की, 5-6 साल पहले, मेरे कान में भी ऐसे ही इसी टाइम मेरे पिताजी के हुआ था, इसी टाइम मेरे भी ये रोग चालू हो गया, मेरे कान के पर्दे में सुराख हो गया था और मेरी ये साइड सारी में दर्द होने लग गया था। और मैं पटियाला राजिंद्रा अस्पताल का एक रिटायर्ड डॉक्टर, परमार डॉक्टर है, उसके पास से साल भर दवाई लेता रहा। उसी टाइम 2015 की बात है कि उसी टाइम मैं साल भर हो गया था, तो उधर मैं ये रिसर्च भी कर रहा था, गुरुजी के प्रोग्राम भी देख रहा था, अचानक मुझे परमार डॉक्टर ने कहा तू एम्स में वहाँ ऋषि केस ही दिखवा ले अपने कान को, वहाँ बड़ा डॉक्टर है। मैं वहाँ चला गया, उन्होंने मेरा दो बार, मैं वहाँ गया, उन्होंने एक बार दवाई दी, दूसरी बार उन्होंने टेस्ट किया कि तेरी हड्डी गलने लग गई अंदर से, सरदार जी आपके तो कान का ऑपरेशन होगा। फिर मैंने उनको कहा चलो ऑपरेशन कर दो। तो उस टाइम मैं इतना दृढ़ हो गया था, वैसे मुझे ये सारा पता लगा कि सतगुरु, गुरु रामपाल के बगैर धरती पर कोई सतगुरु नहीं है और कबीर परमात्मा के बगैर कोई परमात्मा नहीं है और इस ज्ञान से आगे कोई ज्ञान भी नहीं है, इतना मुझे, मैं दृढ़ हो चुका था। और उस टाइम मैंने नाम नहीं लिया हुआ था। और फिर मैं जिस टाइम उन्होंने मुझे वहाँ 7 मई 2015 को मेरा ऑपरेशन का टाइम दे दिया, जिस टाइम मैं उस टाइम दे दिया, तो मैं अभी 3 महीने थे, वहाँ एक लड़की जलंधर की लगी हुई थी, मैं बोला बेटा 3 महीने मैं कैसे काटूँगा, मेरे तो कान रोज़ बहता है और खारिज होती है, सुनता भी नहीं है, दवाई भी नहीं आप दे रहे कह रहे। उन्होंने कहा अंकल जैसे भी होगा कि यदि किसी का पहले ऑपरेशन होगा तुम्हारा नंबर लगा दूँगा। लेकिन मेरा नंबर तो मैं घर चला गया और मैं सत्संग देखता था। मैं एक दिन ऐसे ही मन में प्रार्थना करी, संत रामपाल जी महाराज आप पूर्ण परमात्मा है, मेरे कान मत खोसियो, मैंने तो आपकी भक्ति करनी है, तेरा नाम सुनना है। मैं सच करके कह रहा हूँ, मुझे, मैंने नाम भी नहीं लिया था। सुबह को जब मैं उठा तो मेरा कान बिल्कुल सूखा था और मेरे कोई खारिश नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। मेरा नाम लेने से पहले परमात्मा ने मेरा कान ठीक किया, जो हमें जन्म जन्म से हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ये रोग चला आ रहा था। उसके बाद मेरी भक्तमती है, जब हमने नाम ले लिया, हम नाम तो ज्ञान के आधार पे आए, लेकिन उनको भी प्रॉब्लम थी, उनके शरीर में दर्द रहता था, एक छोटी मोटी प्रेत वादा सी रहती थी, उसके कारण सारा शरीर बेकार कर दिया, घुटनों में दर्द, शरीर का वजन बहुत बढ़ गया था। और 25 अक्टूबर 2016 में संत रामपाल जी महाराज से जब नाम लिया, उसके 1.5-2 महीने बाद ही भक्तमती को भी राम होना शुरू हो गया और उनका वजन घटना शुरू हो गया। आज हमें लगभग 2.5-3 साल हो गए हैं। और मैं एक बार यूपी वाले खेत से पिपली के पीछे आ रहा था, ये कुरुक्षेत्र से पीछे, अचानक मेरी कार, एक टेम्पू ने मेरे सामने टेम्पू रोक दिया, उसमें लग गई आके, और टेम्पू नीचे खदानों में जा गिरा और वो चालक की टांग टूट गई, मैंने वहाँ थाने में फ़ोन हो गया, यहाँ मेरे मिलने वाले थे, उन्होंने फ़ोन कर दिया, वहाँ पुलिस वाले आ गए, मुझे उन्होंने संभाला, उसको भी उठा के ले गए, उसको यहाँ कुरुक्षेत्र हॉस्पिटल में ले आए, तो यहाँ से चंडीगढ़ रेफ़र कर दिया वो जो टेम्पू चालक था। फिर हम सुबह को वहाँ आए, थाने में गाड़ी खड़ी कर दी, गाड़ी भी मेरी टूट गई थी। और फिर मैं वहाँ जब गए थाने में, हमने उनसे समझौता करना चाहा, तो मैं जो इंस्पेक्टर उसके बयान लेने चंडीगढ़ गया था उसको फ़ोन किया कि इनसे बात कर लो, जो को यहीं पैसा लेके फैसला कर लेंगे। तो उसने 50,000 रुपये मुझसे मांगे,
फिर मेरे को पुलिस वाले भी बोले, जब तेरा बीमा कागज सब कुछ पूरे हैं तुम्हें क्या देने की ज़रूरत है, तुम केस कर दियो तो अपने आप कर लेगा फैसला जब पहली तारीख पे आएगा। मैंने उनका कहना मान के ऐसे कर लिया। मैं यो जो केस बना था उस केस की तारीख भुगते भुगते मुझे 3 साल गुजर गए। हर महीने मुझे तारीख पे आना पड़ता था, मुदई आए ना आए मुझे ज़रूर आना पड़ता। मैं बड़ा परेशान चल रहा था तारीख भुगत भुगत के। मुझे यूपी से 200 किलोमीटर में आता था, 200 किलोमीटर जाता था। और फिर जब मैंने नाम लिया, 3 साल हो गए थे मुझे ये क्रिया करते हुए, ये केस भुगतते हुए। नाम अक्टूबर में लिया और 25 जनवरी 2017 में मैं बाइज्जत बरी हुआ। संत रामपाल जी महाराज की कृपा हुई और उसके बाद मैं उस केस में मुझे एक पैसा भी नहीं देना पड़ा, बाइज्जत बरी हुआ। मैं अपने समाज के भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, यदि कोई परमात्मा पाना चाहता है इस धरती के ऊपर, जो मनुष्य देह में आया है इस जीवन का, ये 84 लाख जून के बाद ये जीवन प्राप्त हुआ है, भई प्राप्त मनुख देहरिया गोविंद मिलन की ये तेरी वरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। यदि हमने किरत करते करते मोक्ष पाना चाहते हैं, हमें किसी तीर्थों मंदिरों कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब किछ घर में बाहर नाहीं, बाहर ढोल सो भरम भुलावै। जिसने परमात्मा पाना है सब कुछ, तेरे शरीर ये ऐसा, परमात्मा ने एक ऐसी मशीन बनाई है, इसी में परमात्मा की प्राप्ति है। देवते भी इस शरीर के लिए लोचते हैं, जिसके लिए गाया करते थे, तीर्थ भी लोच दे इस, ये जो साधु है इसके लिए, और ये जो शरीर है इसके लिए देवी देवता भी लोचते हैं। मैं अपने सब बहन भाइयों को कहना चाहता हूँ कि ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। अब मैं तो यही अपने बहन भाइयों को संदेश देना, जो गुरु ग्रंथ साहब को मैं गुरु मानता हूँ, और जो उस गुरु कह रहा है, जो उसकी बाणी कह रही है गुरु नानक देव जी की, उस बाणी के आधार पे चल के देख लो एक बार। यदि आपको जो बाणी में लिखा सारे लाभ प्राप्त होंगे और आपका मोक्ष होगा, आपको सब लोक सुखिया हो जाएगा तुम्हारा। जितने दिन हम यहाँ रहेंगे हमें यहाँ भी सुख प्राप्त होगा और मोक्ष हमारा बिल्कुल आसानी से, हम यहाँ से सचखंड चले जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेनी बहुत आसान है। इस टाइम 10-12 चैनल टीवी के ऊपर संत रामपाल जी की सत्संगों के चल रहे हैं, उनके प्रत्येक सत्संग के नीचे एक पीली पट्टी चल रही है, उस पट्टी के ऊपर सतलोक आश्रम बरवाड़ा के नंबर चलते हैं, उन नंबरों पे फ़ोन करके आप जहाँ से भी फ़ोन करोगे उसी नज़दीक नामदान सेंटर का आपको पता मिल जाएगा। आप आसानी से वहां से जाकर नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।